effect of potential on photoelectric current. So when there are number of electrons ejected over there in experimental setup, we know that cathode, this is cathode, this is anode, and photons are ejected from there, photoelectrons are ejected, photoelectrons. अब फोटोइलेक्ट्रॉन्स के पास अगर खुद के पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा तो करंट डेवलप हो जाएगा, करंट विल बी डेवलप्ड ओवर देयर और हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं. अगर खुद के पास एनर्जी नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल लगाएंगे और वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगा ई वी, इस काइनेटिक एनर्जी से ये यहाँ पहुँच जाएगा. इसका मतलब अगर हम वी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुँचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा पहुँचेंगे उतना ही करंट इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, सपोज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एन, और जब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करो, देर इज नो चेंज इन द करंट, एंड दैट करंट व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रीचेज टू द एनोड, देर इज नो चेंज इन द करंट आफ्टर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल. सो दिस करंट इज नॉन एज सेचुरेशन करंट. इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट देन इट विल कम आउट लाइक दैट. दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज करंट आई. तो स्टार्टिंग इनिशियली इट विल इंक्रीज then becomes constant. Again, if intensity I1 or intensity is L1, L2, intensity are different. So this is the graph, L2 greater than L1, intensity ज़्यादा होगी, current ज़्यादा होगी, but potential एक constant potential के बाद current increase नहीं होगा, इसके कहेंगे saturation current. Thank you.